मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ बिन कुसई बिन कैला बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फिखर बिन मालिक बिन नजर बिन केनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माद बिन अदनान कुछ जनरेशन के बाद इस्माइल अलैहि सलाम व बिन इब्राहिम अलैहि सलाम बिन आजर या तारुख बिन नहूर बिन सरूख बिन राऊ बिन फालिग बिन हूद सलाम बिन शालिख बिन अरफ़ख़्शद बिन साम बिन नूह अलैहि सलाम बिन लामिक बिन मतुशालिह बिन इद्रीस अलैहि सलाम बिन यारद बिन महललईल बिन केनान बिन अनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहि सलातो व सलाम। दोस्तों याद रहे कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का शजरा नसब नहीं बल्कि ये नबी अलैहि सलाम के अलावा कुरान पाक में मौजूद तमाम 25 अंबिया कराम का भी शजरा नसब है। इस चार्ट में हमने यहाँ पर सबसे पहले हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक तमाम 25 अंबिया कराम के नामों को एक तरतीब के साथ लिखा है और फिर हर नबी का कुरान पाक में कितने मरतबा नाम लेकर जिक्र किया गया है। इन तमाम अंबियाए कराम को लोगों की हदायत और रहनुमाई करने के लिए जिन इलाकों और शहरों की तरफ भेजा गया था तो हमने इस चार्ट में उन तमाम इलाकों और शहरों के नामों को भी लिखा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हमने सब्ज रंग से नबियों के नामों को लिखा है और सुर्ख रंग से रसूलों के नामों को लिखा है ताकि आपको बआसानी मालूम हो सके कि इन 25 नबियों में से नबी कौन थे और रसूल कौन थे। इसके अलावा इस चार्ट में हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 सफाती नाम और फिर इन नामों के नीचे हमने डिबेटेड प्रॉफिट्स यानी उन 10 नबियों के नामों को भी लिखा है कि जिन 10 नबियों के नबी होने के बारे में तमाम मुसलमान उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है क्योंकि इन 10 नबियों को कुरान पाक में कहीं पर भी नबी नहीं कहा गया है। इसके अलावा चार्ट में मौजूद सुर्ख रंग 5 उलुल अज्म नबियों को रिप्रेजेंट करता है जबकि ब्लू कलर बनी इसराइल के नबियों को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह 25 नबियों में से 23 नबी ऐसे भी है की जिनका जिक्र कुरान के अलावा तो ज़बूर और इंजील में भी मौजूद है। लिहाजा इसी वजह से हमने इन अंबिया कराम के इब्रानी और यूनानी नामों को भी इस चार्ट में लिखा है। इस चार्ट में मौजूद तमाम मालूमात उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में ही मौजूद हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि हमने 1000 साल पहले लिखी गयी कई मुस्तनद इस्लामी किताबों का मुताला करके 1 साल की रिसर्च और मेहनत के बाद इस चार्ट को बनाया है। और इस चार्ट को हमने इस वजह से बनाया है क्योंकि बदकिस्मती से हमारे बच्चों को स्कूल से यूनिवर्सिटी तक अल्लाह के नबियों की सीरत और सुन्नत के बारे में बताना तो दूर, ये तालीमी इदारे हमारे बच्चों को कभी भी अल्लाह के नबियों के नाम तक नहीं बताते। और इसी वजह से आज हम अल्लाह के नबियों से इस कदर दूर हो चुके हैं कि अब ना ही तो हमें अल्लाह के नबियों के नाम आते हैं और ना ही हमारी औलाद को। लिहाजा घर के माहौल को इस्लामी और इल्मी एतबार से बेहतर करने के लिए और बच्चों में बचपन से ही अंबियाए कराम के बारे में जानने का और तहकीक करने का शौक पैदा करने के लिए हमने इस चार्ट को बनाया है। दोस्तों याद रहे कि फ्रेम शामिल नहीं है, ये चार्ट आपको एक महफूज पैकेजिंग में रोल करके भेजा जाएगा और इस चार्ट के लिए हमने सबसे महंगे मजबूत और प्रीमियम क्वालिटी के 260 ग्राम के प्रीमियम RC फोटोलस्टर पेपर को इस्तेमाल किया है और लोकल इंक की बजाय खास तौर पर जापान की ब्रांडेड इंक का इस्तेमाल किया है। मजीद तफसीलात के लिए या फिर तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के इस मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को हासिल करने के लिए आप अभी हमारी वेबसाइट islamiccharts.com को जरूर विजिट करें।